दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। कांसी राम ने क्यों ठुकराया राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसी राम को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव भाजपा नेता व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, मगर कांसी राम ने कहा मैं राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। कांसी राम की जीवनी कांसी राम द लीडर ऑफ द दलित्स लिखने वाले बद्री नारायण ने न्यूज 18 को बताया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कांसी राम को राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया था। उस समय यूपी में भाजपा और बसपा की गठबंधन सरकार थी। कांसी राम ने वाजपेयी के प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वह जानते थे असली पावर प्रधानमंत्री के पास होता है। कांसी राम ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा मैं राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। कांसी राम कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांसी राम दलित वर्ग से सर्वोच्च पद पर किसी व्यक्ति को लाने के भरपूर प्रयास किए। मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में वह सफल भी हुए। अब सवाल यह उठता है राष्ट्रपति कांसी राम को ही क्यों बनाना चाहते थे वाजपेयी जी? राजनीति में दो पैतरे खेले जाते हैं, एक प्रतिद्वंदी को प्रसन्न करना, दूसरा प्रतिद्वंदी को ऐसे कोई पद देकर कमजोर करना। अब वाजपेयी का क्या मकसद था वही जाने, मगर कहा जाता है देश में जिस ढंग से दलित शोषित कमजोर वर्ग के लोग कांसी राम से उस समय जुड़ रहे थे उससे स्थापित राजनीतिक दलों में बेचैनी उठी थी। कांसी राम के उद्देश्य और संघर्षों से आज बीएसपी काफी भटकाव के रास्ते पर चली गई है। अब न वह पार्टी के तेवर है और न संघर्ष। कांसी राम का सपना था दलित समाज के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना। देखिए यह सपना कौन कब और कैसे पूरा कर पाता है।